जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं संदीप कुमार आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ, जिसका नाम है एक्सप्लेन नॉलेज। आज हम दोस्तों इस वीडियो में डीडीए की गाइस ऑनलाइन फॉर्म के बारे में दोस्तों बात करेंगे। आपको ये फॉर्म कैसे फिलअप करना है, कई स्टूडेंट का मुझे कॉमेंट्स आया कि सर मैं इसको मतलब सर हम इसको लॉग इन करने के बाद हम इसको फिलअप नहीं कर पा रहे हैं इस फॉर्म को। तो गाइस देखिए, मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि आपको ये फॉर्म कैसे फिलअप करना है, कैसे आपका रजिस्ट्रेशन होगा, तो आपको सब डाउट्स मैं क्लियर करूंगा इस वीडियो में। तो आपको क्या इस वीडियो पूरा देखना है, आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले अपने को मैं गूगल ओपन कर लेता हूँ, या फिर करना सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम का एक ऑफिशियल साइट है, आपके साइट के ऊपर आ जाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम, ठीक है, ये साइट गाइज आपको ओपन कर लेने, तो सर्च पे क्लिक कर लेता हूँ मैं। और फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन देखिए सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम, यहाँ पे एक बार क्लिक कर लेते हैं हम दोबारा से। तो यहाँ पे गाइज नीचे आइए, डीडीए वेरियस पोस्ट, ठीक है। और अगर वैसे बात की जाए यहाँ पे देखिए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटीज का नाम पूरा है संस्था ये, ठीक है। तो नीचे आइए इसी फ्रेंड्स, नंबर वैकेंसीज की बात करें आप 629 टोटल पोस्ट है, 629, और इसमें आपको काफी अच्छी बेहतरीन पोस्ट मिल जाती है, जिसके लिए मैंने अलग से आपके लिए वीडियो बना दिया, आपको कौन सी पोस्ट फिलअप करनी है तो वीडियो देख लीजिएगा चैनल पे जाके, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर लेते हैं हम एक बार। तो गाइज यहाँ पे इस साइट पे आ जाओगे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोज कर देते हैं एक बार। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड आपको कौन सी पोस्ट फिलअप करनी है, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट वाले, ठीक है। इसका पोस्ट कोड का नाम है 12, ओके। यहाँ पे अपना नाम भर देते हैं, आपका जो नाम है वही भरिएगा, ठीक है। मेरा नाम मत भर दीजिएगा, या फोन नंबर भरना है आपको। और नीचे आइए, कंफर्म मोबाइल नंबर कर देना है, फिर ईमेल आईडी, और कंफर्म ईमेल आईडी मतलब दोबारा से ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, ठीक है। फिर कैप्चा कोड डाल दीजिएगा आप, ठीक है। तो देखिए गाइज यहाँ पे सिंग अप सक्सेसफुली, गाइज वहाँ पे कैप्चा कोड और मोबाइल नंबर डालने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है अभी, ओके। आपको इसको कॉपी में नोट कर लेना है, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी में नोट कर लेता हूँ दोस्तों, एक सेकंड रुकिएगा आप। 1065156, ठीक है। इतना फिलअप करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्लोज कर लेना है एक बार, ठीक है। तो फ्रेंड्स अपने डिटेल चेक कर लीजिएगा आप, ओके। और अभी मैं यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी खोल लेता हूँ एक बार, ताकि मेरा जो पासवर्ड है मैं वो चेक कर पाऊँ, क्योंकि इन्होंने साफ साफ दिया है कि जो आपका पासवर्ड है वो आपकी ईमेल आईडी में मिलेगा, ठीक है। आपका जो मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर होता है आपको यहाँ पे मिल गया, लेकिन जो पासवर्ड है आपका वो आपकी ईमेल पे मिलेगा, आपका अपनी ईमेल ओपन कर लेने। तो देखिए यहाँ पे नो रिप्लाई सिंक अप सक्सेसफुली डीडीए रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे आइए गाइस, देखिए यहाँ पे आपका पासवर्ड दिया गया है, इसको भी आपको कॉपी में नोट कर लेना, ताकि आपको आसानी रहे ओपन करने में फिर, ठीक है। तो ये भी नोट कर लिया है मैंने, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ से हम कर देते हैं एक बार लॉग इन, क्या देखिए लॉन्ग आउट आपको यहाँ से लॉन्ग आउट कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लॉन्ग आउट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अपना यूजर आईडी भरना है, तो मैं भर देता हूँ यूजर आईडी, मैंने कॉपी में नोट कर रखा अपना अच्छे से, ओके। तो आप भी कॉपी में नोट कर लीजिए, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो फॉर्म फिलअप करने में यार, ठीक है। काफी कमेंट्स आते हैं सर फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते हैं हम, तो उनके लिए मैं स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ। इतना फिलअप करने के बाद दोस्तों नीचे देखिए लॉगिन, आपको लॉगिन पे क्लिक कर लेना, तो लॉगिन पे क्लिक कर लेता हूँ मैं। फ्रेंड्स अभी प्रोसेसिंग चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स सक्सेसफुली हो चुका है हमारा ये, और नीचे आइए। तो फ्रेंड्स ये ऊपर देखिए यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे ऊपर जो आप देख रहे हैं गो टू एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है आपको, रजिस्ट्रेशन करना है, लॉन्ग आउट करना है, और फिर दोबारा से अपना मतलब यहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के आप इस पेज पे आ जाओगे। और ऊपर देखिएगा आप गो टू एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको आना है, ध्यान दीजिएगा गो टू एप्लीकेशन फॉर्म पे आना है। यहाँ पे आके कुछ डिटेल्स से मांगेगा आपको, वो फिलअप करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी ये चल रहा है प्रोसेसिंग, ठीक है। तो इतना हो गया अभी कंप्लीट ये। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जो हमने पोस्ट कोड भरी है वो यहाँ पे दी गई है, कैटेगरीज भर दी गई आप यहाँ पे, ठीक है। जो कैटेगरीज आप एस सी यू आर कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो मैं एस सी कर देता हूँ यहाँ पे। जेंडर आप कर दीजिएगा मेल फीमेल जो भी हो, ओके। अपनी डी ओ बी भर दीजिएगा यहाँ पे, जो आपकी डी ओ बी है यहाँ से भर दीजिएगा, अच्छा रहेगा वैसे आपको भी, ठीक है। तो
डीओवी भरने के बाद आपको देखना है यहाँ पे आर यू फिजिकली हैंडीकैप्ड। अगर आप हैंडीकैप्ड या फिर आप पीएच कैटेगरी मतलब किसमें कैटेगरी में आते हो तो बता, मतलब यहाँ पे यस कर दीजिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। अगर आप बिल्कुल फिट एंड फिटनेस हो बिल्कुल अच्छे से तो आप नो कर दीजिएगा। अगर आपको फिजिकल कुछ भी प्रॉब्लम है पैर में हाथ में तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो। आर यू एक्सर्समैन, अगर आपके पास एक्सर्समैन का कोटा है जो अलग से, जो फौजी भाई जिनके घर में जॉब होती है तो आप उनके लिए होता है, अगर आप यस करते हो आपके घर में जॉब है तो यस कर दीजिए, अगर आप एक्सर्विसमैन में आते हो वरना आप नो कीजिएगा। और यहाँ पे भी आपको नो करना है, और यहाँ पे भी आपको नो करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, दिल्ली अगर आपके पास किसी मतलब सेंटर की जॉब है दिल्ली में आपके पेरेंट्स के पास तो यहाँ पे यस करिएगा वरना आप नो कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए अगर पास जम्मू कश्मीर का जो सर्टिफिकेट है 1980 और 1989 के बीच में तो यहाँ पे यस कीजिएगा आप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेव नेक्स्ट कर लेता हूँ, ये मैंने फिलअप कर दिया तो ध्यान दीजिएगा इस बात पे मैंने क्या क्या फिलअप किया आपको पता ही होगा, और मैं आपसे कुछ छुपा नहीं रहा हूँ तो सब कुछ आपके सामने है गाइस, तो ध्यान से फॉर्म फिलअप कीजिएगा, कुछ मिस्टेक ना कीजिएगा, ओके। तो मैंने सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया है, डाटा सक्सेसफुली हो चुका है हमारा। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए फादर नेम, आपको यहाँ पे फादर नेम डालना है, मदर नेम डालना है, और आप मैरिड हो अनमैरिड हो वो डाल देना है, यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है। नेशनलिटी आप इंडियन हो या फिर क्या हो वो भरना है आपको। इंटर योर आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर जो होता है वो आपको भरना है यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आधार नंबर देख के भी भरिएगा, ठीक है। कई कुछ ऐसे होते हैं जो गलत भर देते हैं फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और इतना फिलअप करने बाद गाइस नीचे आइए, फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अपना ईमेल आईडी भरनी है आपको, यहाँ पे इंटर एड्रेस, सॉरी गाइस यहाँ पे आपको अपना एड्रेस भरना है, ठीक है। ध्यान दीजिए एड्रेस भर देते हैं यहाँ पे अपना, और कंट्री स्टेट भर देते हैं आप कौन स्टेट से बिलोंग करते हो, तो मैं हरियाणा डाल देता हूँ। यहाँ पे सिटी डालनी है, यहाँ पे कौन सी सिटी है आपकी, डिस्ट्रिक्ट मतलब कौन सी है, पिन कोड डाल देना है आपको यहाँ पे अपना, ओके। और यस कर दीजिएगा, अगर आपका ये जो एड्रेस ऊपर वाला दिया अगर आपका नीचे वाला भी सेम है तो यस कीजिएगा, अदरवाइज अपना जो आपका नया एड्रेस है जो आप पहले ही कहीं पे रह चुके हो तो यहाँ पे वो डालेगा नीचे, ठीक है। सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं, तो फ्रेंड्स ऊपर आइए। तो गाइस यहाँ पे आपको फिलअप करना है आपका मतलब कि मार्कशीट, नेम ऑफ बोर्ड, आपने 10th कौन से बोर्ड से की है वो फिलअप करना है यहाँ पे, ईयर ऑफ पासिंग आपने कौन से साल, और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए इंस्टीट्यूट नेम, यहाँ पे आपका जो मतलब स्कूल का नाम है वो भी भरिएगा, तो स्कूल का नाम भर दिया हमने। और गाइस देखिए यहाँ पे फिलअप कीजिएगा अपने सब्जेक्ट, मतलब आपके पास कौन से सब्जेक्ट थे, ठीक है। तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एसएस, फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। तो मैंने इतना भर लिया है दोस्तों, और नीचे आइए नेम मतलब की परसेंटेज, अब कितने परसेंट मार्क्स हैं वो यहाँ पे दीजिएगा, ओके। तो हमने भर दिया है, तो नीचे देखिए गाइस प्लस टू, यहाँ पे आपको फिलअप करना है आपने प्लस टू कौन से मतलब बोर्ड से की थी, स्टेट बोर्ड से, सीबीएसई से, कौन से, स्टेट बोर्ड डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। और ईयर पासिंग देखिएगा अपनी, इंस्टीट्यूट नाम मतलब आपका स्कूल का नाम क्या था, और यहाँ पे अपने मतलब डालेगा सब्जेक्ट, आपके सब्जेक्ट कौन से थे प्लस टू क्लास में, ओके। और नीचे फ्रेंड्स अपनी परसेंटेज डाल दीजिएगा, और फ्रेंड्स अगर आपके पास डिग्री है तो आप डिग्री के लिए फिलअप कीजिएगा, आप एक आपका डिग्री का नाम, ठीक है, ईयर ऑफ पासिंग, स्टूडेंट नेम, अपने कौन सी यूनिवर्सिटी से की, ये सब भर दीजिएगा, सब नॉर्मल है यहाँ पे, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए डू हैव टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट,
दोस्तों आपकी टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में, 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए हिंदी में। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है, ठीक ठाक है, तो गाइस ये फॉर्म फिलअप कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा। हाँ जी दोस्तों, सही सुना आपने, टाइपिंग सही है तो फॉर्म फिलअप कीजिएगा। आप पेपर पास कर दोगे, आगे टाइपिंग में निकल जाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा फॉर्म का, तो ध्यान दीजिएगा। अगर आप फॉर्म फिलअप करें तो टाइपिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, या फिर आप किसी और पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे यस कर लेता हूँ, और आप फिर नीचे देखिए, प्लीज सिलेक्ट मीडियम फॉर लैंग्वेज ऑफ स्किल टेस्ट। आपके जो का टाइपिंग टेस्ट होगा वो आप हिंदी में दोगे, इंग्लिश में देना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो मैं इंग्लिश कर लेता हूँ यहाँ पे। वैसे भी आगे चल के आप वहाँ पे उनको बोलोगे तो मैं इस तरह में हिंदी में करना चाहता हूँ, आपको वहाँ पे भी टाइम दिया जाएगा, टेंशन ना लीजिएगा। यहाँ पे आप गलत कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ध्यान दीजिएगा सही करें। आपकी अगर हिंदी में टाइपिंग तो हिंदी क्लिक करें, अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करते तो इंग्लिश क्लिक करें, ठीक है। नीचे देखिए सेम है, नेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ मैं दोबारा से एक बार, और फ्रेंड्स से ऊपर आइए, और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए पासपोर्ट साइज अपलोड योर सेम पासपोर्ट साइज कलर फोटो। गाइस आपको अपना फोटो क्लिक है, मतलब फोटो वो करना है, यहाँ पे फोटो अपलोड करना है, ठीक है। तो फोटो अपलोड कर लेता हूँ मैं एक बार, वेट कीजिए थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स थोड़ा वेट कीजिए, मैं एक बार थोड़ा फोटो देख लेता हूँ कहाँ पे है फोटो मेरा, ठीक है, एक सेकेंड वेट करें। फ्रेंड्स देखिए मैंने अपना फोटो अपलोड कर दिया है यहाँ पे, ठीक है, और जो कि सक्सेसफुली हो चुका है। आपको भी ऐसे सक्सेसफुली करना है फोटो, और फ्रेंड्स नीचे आइए, यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर करने हैं अपलोड, ठीक है। तो सिग्नेचर अपलोड कर लेता हूँ मैं, वेट कीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मेरे सिग्नेचर भी अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लोज कर लेता हूँ, फ्रेंड्स एक सेकेंड वेट करें, शायद सिग्नेचर अपलोड हाँ हो गए हैं गाइस। देखिए नीचे अपलोड का ऑप्शन आ गया है, नीचे देखिए गाइस कैप्चा कोड, आपको कैप्चा कोड देख के भरना है, ठीक ठाक भरिएगा। कैप्चा कोड अगर गलत करते तो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाओगे, ठीक है। एंड देखिए नीचे आई एग्री है, एंड सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। आर यू यू वांट टू सबमिट, गाइस देखिए आपको यहाँ पे ये क्लिक यहाँ पे आया वन नोटिस, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट। अगर आप यहाँ पे क्लिक कर लेते हो तो इसको आप ठीक नहीं कर पाओगे, तो यहाँ पे ओके देख के करना है, ऊपर की सब डिटेल्स चेक करके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज सबमिटेड सक्सेसफुली, गाइस जो आपका फॉर्म था फिलअप हो चुका है, आपको और कुछ भी तो नहीं करना है, ठीक है, आपका फॉर्म फिलअप हो गया है। यहाँ पे देखिए प्रिंट पे क्लिक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आप आके अपना प्रिंट भी फॉर्म कर सकते हो। ये आपका टोटल प्रोसेस था फॉर्म के बारे में, को फॉर्म कैसे फिलअप करना है। कई मुझे कमेंट्स आए कि सर हम फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रहे हैं, ये कैसे फिलअप होगा, लॉगिन कर लेते हैं बट ये फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है। तो मैंने सिर्फ उन सब मेरे भाइयों के लिए बनाई है वीडियो, ताकि आप फॉर्म अच्छे से फिलअप कर पाओ, ठीक है दोस्त। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट लगता है प्लीज मुझे कमेंट कर सकते हो, आप कुछ भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है फॉर्म फिलअप करने में, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आराम से भेज दीजिएगा, ठीक है गाइज। ये चैनल आपका है भाई, आपको चैनल चलाना है, वो आपके ऊपर डिपेंडेड है। आप चैनल को कितना प्यार देते हो, वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो, नहीं करते हो, तो सब मैंने आपके ऊपर छोड़ रखा है भाई, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और जो मेरे भाई बंधु चैनल पर नया आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।